वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड अभी अब नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूं और अभी मैंने बेस भी ऑर्डर कर दिया है पिज़्ज़ा के, तो अभी स्विगी से वो आने वाला है। एंड आज मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि हमारा जो आउटलेट है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे शो करता है, तो उसके लिए हम क्या करें, हम अपने आउटलेट को क्या ऐसा करें, क्या ट्रिक्स करें कि वो ऊपर आ जाए, तो उसके बारे में आज आपको बताऊँगा। तो पहले मैं पूजा वगैरह कर लेता हूँ सारा कुछ, अभी नहा के आया हूँ मैं, तो पूजा करूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, देन आपको आराम से फिर बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है, क्या ट्रिक्स रहेगी। मेरा बेस आ चुका है, ये मैंने ऑर्डर किया था अभी स्विगी से और बहुत जल्दी आता है यार, मतलब अच्छा लगता है मुझे। तो चलो अब मेरा स्टॉक हो चुका है, काफ़ी मैंने बेस मंगा लिए हैं और बर्गर तो मेरे पास है, आई थिंक बर्गर का मेरे पास दो पैकेट्स हैं। तो चलो फिर मैं सेट कर देता हूँ जरा सामान वगैरह सारा, फिर आपसे बात करता हूँ। किचन को मैंने आज कर दिया पूरा चकाचक साफ, ये देखो सारे बर्तन वर्तन अच्छे तरीके से मैं धो दिए हैं अच्छे से, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, और ये अच्छे स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया, पूरा मैं इस सामान को सब अच्छे से रखूँगा ये, क्योंकि इधर उधर हो गया। अभी वीडियो के लिए देखो पूरी वायर जा रही है ये लाइटिंग के लिए, तो ये उठा के मैं रखूँगा यहाँ पे अभी, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। मैं बना रहा हूँ सैंडविच, क्योंकि मेरा मन कर रहा था, आलू पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा कि सैंडविच बना लेता हूँ, क्योंकि है ना मुझे यार ये आलू वाला सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ हम खाएंगे ये इमले की चटनी है, मीठी वाली है, बताऊंगा आपको भी, मैं दिखाऊंगा ये भी कैसा है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो बताना आप मेरे से किस किस को सैंडविच पसंद है और कौन कौन बनाता है घर पे। मैंने काफ़ी के मेन्यू में भी देखा है सैंडविच वगैरह देते हैं, बहुत लोगों को पसंद है यार, अगर आप मतलब मेन्यू में ऐड करना चाहते हो तो सैंडविच भी ऐड कर सकते हो, अच्छी चीज़ है ये, जल्दी बन जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है, हैवी भी ये होता है। तो चलो फिर बनाता हूँ, फिर आराम से आपसे खा पी के बात करता हूँ फिर मैं। ये हमारी इमली की चटनी और ये रहा मेरा सैंडविच, तो आओ एक बार ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है। ये अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, और जो लोग सैंडविच बनाते हैं उनको पता होगा कि सैंडविच में भी अलग अलग वराइटीज आती है, काफ़ी टाइप के सैंडविच होते हैं, और मुझे सैंडविच सारे ही पसंद है वैसे, एक वाइट वाला आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो फिर मैं खाता हूँ, फिर आपको आराम से बात करता हूँ। सो आपको पता है जो कल का ब्लॉग आपने अगर देखा होगा, जिन जिन ने देखा होगा उसको पता है कि मैंने एक पिज़्ज़ा बनाया था, जब मेरा फ्रेंड आया था तो मैंने एक पिज़्ज़ा बनाया था उसके लिए, और वो था आपका एक तो मिंट वाला था और एक तंदूरी, दोनों मिक्स करके मैंने बनाया था। तो आज सेम एक यूट्यूब के सब्सक्राइबर है मेरे, तो उन्होंने ही वो पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया है और साथ में बर्गर भी किया है, तो आओ फिर बनाते हैं पिज़्ज़ा और साथ में बातें भी होती रहेगी। यही मैंने मंगाया था, स्टॉक मंगाया था ये, तो क्योंकि यार बार बार ना खत्म हो रहा था, तो फिर मैंने तो भी मंगा ही लेता हूँ। और जो मैंने आपको बताया था ना वो क्या बोलते हैं, बटा इसके बीच में मैंने कभी बात नहीं हुई आपसे कभी, तो मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे ना टाइम मिल नहीं रहा है, अब मुझे पता नहीं टाइम कब मिलेगा, तो मैंने सोचा कि चलो ये ऑर्डर के बीच में बातचीत हो जाएगी, तो मैं आपको बता भी दूंगा कुछ चीज़ें। बाकी बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा अभी, काफ़ी लोग मुझे मतलब कि है ना ये मैसेज वगैरह करते हैं, पूछते हैं कि क्या बोलते हैं कि हमारा जो अभी ये आउटलेट है वो अभी न्यू है, तो उसको हम मतलब किस तरीके से क्या करें कि हमारा ऊपर आए, क्योंकि उनका ना आउटलेट शो नहीं करता उनको, मतलब वो सर्च करते होंगे देखते होंगे तो उनका ना बहुत नीचे शो करता है आउटलेट, या किसी किसी को तो भाई शो ही नहीं करता, तो बोलते हैं कि मतलब ऐसा क्यों होता है, तो क्या करें इसके लिए। तो कुछ ट्रिक्स है, छोटी मतलब ट्रिक्स है कुछ, तो आप वो चीज़ करो और उसके बाद मेरे ख्याल से तो देखो आना चाहिए, क्योंकि मेरा जो रेस्टोरेंट है वो 12th नंबर में भी आ रहा है, ठीक है, उससे पहले मतलब नीचे आ रहा था, तो उसके बाद मैंने थोड़ी ट्रिक्स वगैरह भी करी उसमें, तो अब मेरा जो आउटलेट है 12th नंबर पे आ रहा है, तो आ जाएगा धीरे धीरे आपका भी आउटलेट। देखो सबसे पहले ना आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपका आउटलेट न्यू है तो वो एकदम से ऊपर नहीं आ सकता है, क्योंकि आपसे पहले काफ़ी सारे ऐसे जो आउटलेट वगैरह हैं उनकी पहले से रेटिंग वगैरह होती है, सब कुछ अच्छी रेटिंग होती है, तो वही शो करते हैं। बाकी आ जाएगा आपका भी धीरे धीरे, आप एक काम करो, आप सबसे पहले अपने रेटिंग पे काम करो, मतलब रेटिंग वगैरह करवाओ, जैसे फ्रेंड हो गए फैमिली हो गए उन सबसे रेटिंग करवाओ, तो उससे क्या होता है मतलब काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं क्या हम मतलब जोमेटो पे रेटिंग करवा सकते हैं, तो आप जोमेटो पे करवा सकते हो रेटिंग, बट स्विगी पे नहीं करवा सकते हो, स्विगी पे वही रेटिंग होगी जो कि अगर आपने किसी ने ऑर्डर वगैरह प्लेस किया है तो वही कर सकता है सर, बाकी जोमेटो में ऐसा नहीं है, जोमेटो में कोई भी कर सकता है रेटिंग वगैरह, तो आप वो चीज़ करवाओ। और जो लोग ये पूछते थे कि क्या हम रेटिंग करवा सकते हैं किसी मतलब बाहर के पर्सन से, ऐसा कुछ मतलब इशू तो नहीं आएगा, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं आता है, काफ़ी लोग करवाते हैं, आप भी करवा सकते हो, उससे क्या होता है कि आपका जो आउटलेट होता है वो थोड़ा ऊपर आपको शो करेगा, तो आप करवाओ, वो चीज़ अच्छी चीज़ है,
उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। फिर जब आप अपनी रेटिंग वगैरह पे काम करोगे, अच्छी रेटिंग हो जाएगी आपकी, तो ऑटोमेटिकली ना आपका जो आउटलेट है वो ऊपर ही शो करेगा। फिर आपको फिर आप कुछ भी चेक करोगे, सर्च करोगे, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बर्गर दे रहे हो, अगर सर्च करोगे आप अपने आउटलेट पे जाके वहाँ जोमेटो पर मतलब सर्च करोगे, तो आपको मतलब आउटलेट आपका आ जाएगा वहाँ पे, फिफ्थ नंबर पे होगा, टेंथ पे होगा, ट्वेल्थ पे होगा, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। बट आप है ना रेटिंग वगैरह अपनी बढ़ा लो पहले, क्योंकि रेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अगर रेटिंग नहीं होगी तो कोई भी आपके आउटलेट पे पहले तो यही चीज़ है कि ऑर्डर ही नहीं प्लेस करेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई मिलेगा ही नहीं किसी को। तो देखो मैंने चीज़ वगैरह लगा दिया, ये कैसा लग रहा है। तो मैंने इसमें डाल दिया है आपका पिज़्ज़ा सॉस, तो वाइट चीज़ भी डाल दी है, एंड अब मैं डालूंगा इसमें आपका पनीर। तो ये कहाँ चला गया आपका पनीर के लिए, मैं इसमें जरा, अगर किसी को कोई रेटिंग वगैरह में मतलब कोई भी इशू आता है, रेटिंग नहीं हो रही है उससे, या जो भी इशू आ रहा है नहीं करवा पा रहा है, तो आप एक बार मुझे इंस्टा में मैसेज कर देना, तो मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी कर दूंगा। फिर अगर कोई भी इशू आपको आ रहा है, अगर रेटिंग नहीं कर पा रहे हो, या पिक्स नहीं अपलोड कर पा रहे हो, या पिक्स नहीं मिल रही है, तो जो भी आपको इस टाइप का कोई भी इशू आता हो, अगर आएगा ऐसा कोई भी इशू, तो आप मुझे बता देना, मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। मैं डालता हूँ इसमें मोज़रेला चीज़, तो आप लोग बता देना अगर कोई किसी को भी कोई भी इशू आएगा, तो मैं उसको बता दूंगा भाई कि पिक्स वगैरह के लिए क्या करें, कैसे करें। ये अब मैं डाल रहा हूँ इस पर तंदूरी सॉस, ये डाल दिया मैं तंदूरी सॉस। अब हम डालेंगे इसमें आपका मिंट सॉस, जो कि सबसे अच्छा लगता है मुझे। चलो अब इसको बेक करने के लिए डालते हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है अभी पिज़्ज़ा। ये बेक हो रहा है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, तब तक मैं बर्गर वगैरह काम कर लेता हूँ, फिर मैं आपके आपको आराम से बात करता हूँ आपसे। जबरदस्त पिज्जा लग रहा है, जबरदस्त, देख रहे हो, देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कि आपने डोमिनोज में खाया होगा हिंदी पनीर वाला, एक वैसा लग रहा है बिल्कुल, इतना भाई शानदार लग रहा है ना ये। चलो फिर मैं पैक वगैरह करता हूँ इसको, हो गया अभी ये, बाकी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ निकाल के कैसा बना है भाई। मतलब इतना बढ़िया बना है, इतना बढ़िया, देखो दिख रहा है आपको, इतना बढ़िया लग रहा है ये। और अब आप है ना एक बार ये मिंट वाला और तंदूरी वाला ट्राई करना भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि है ना अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल है ना डोमिनोज की याद आ जाती है। जो खाया है ना ये बोल नहीं सकता कि आपका पिज़्ज़ा है, डोमिनोज का ब्रांड बना दोगे आप। चलो फिर मैं पैक वगैरह करके इसको फटाफट से देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपसे आराम से बात करता हूँ। सो गाइस मैंने दे दिया अभी ऑर्डर, तो मैंने कभी कस्टमर से बात की थी, तो मैंने कस्टमर से पूछा कि आपकी लोकेशन क्या है, तो उन्होंने मुझसे बताया, तो जो लोकेशन बताई भाई मेरे घर के बिल्कुल पास में थी, तो मैंने बोला कि ये तो मेरे घर के ही पास है, तो कह रहे कि अच्छा घर के पास है, बट मुझे आपके यहाँ सेक्टर 17 द्वारका आ था। तो मैंने बोला नहीं नहीं वो जोमेटो में कुछ इशू है, मैंने बात भी की थी, बट वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरा यहीं पे है जहाँ पे आपका घर है, उसके कुछ एक दो गली के आगे ही है। तो मैंने बोला कि कोई नहीं, अब आपको मतलब अगर लेना होगा तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेना, और अगर मैं फ्री रहा तो मैं आपको दे दूँगा। तो मैंने उनको नंबर दे दिया है, मैंने एक नोट में ही नंबर लिख के मतलब दे दिया था, जिस नोट पर मैं लिख के देता था, तो उसी में मैंने नंबर वगैरह भी अपना दे दिया लिख के, कि अगर करना हो तो आप डायरेक्टली कर लेना। तो अभी थोड़ा साफ़ सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस ये लास्ट ऑर्डर था आज का मेरा, और आज बहुत सारे ऑर्डर आए थे यार, मतलब शाम के टाइम के बाद से ना एकदम से टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी आपसे बात करने का, तो बहुत सारे आज ऑर्डर्स आ गए थे, क्योंकि आज है ना ऑफलाइन ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब आज ज़्यादा हो गया यार, बहुत ज़्यादा, मैं थक भी गया हूँ बहुत ज़्यादा, पूरी बॉडी पेन हो रही है मेरी। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखो सबसे पहले क्या है ना कि अगर आपको टॉप 10 में आना है, तो आपको अपने रेटिंग पे तो काम करना पड़ेगा, बिल्कुल रेटिंग वगैरह बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी तरीके से आप बढ़ाओ, अब वो आपके ऊपर है। देखो बिजनेस अगर आपने किया है तो आपको ट्रिक्स वगैरह से उस पर करनी पड़ेगी, बिना ट्रिक्स के आप बिजनेस नहीं चला पाओगे। तो आप किस तरीके से करते हो आप वो देखो, नहीं समझ आता है कुछ भी तो आप मुझसे पूछो, यहाँ इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे आके आप मैसेज करो मुझे, लेट रिप्लाई आएगा बट बिल्कुल आएगा रिप्लाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा यार भर जाता है मैसेज वगैरह से, और फिर मैं एकदम से आप देखते हो कि काम के साथ मैं फिर थोड़ा बहुत टाइम मिल वो भी नहीं मिल रहा आजकल तो मुझे, तो जो रात को टाइम मिलता है उसमें मैं वीडियो एडिट करता हूँ, फिर थोड़ा बहुत जो टाइम होता है उसमें मैं रिप्लाई करता हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो आप वहाँ से वो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ भी मैं अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, ओके बाय।